mañana a dejarlo y que corte. अब ये किस गया है और इसको नीचे आके पानी निकाल के फिर मसाला मिलाना है कितने साल पानी निकल रहे हैं इसको ठीक है तो पानी नीचे आके फिर इसको मसाला में डालना है अच्छे से निचारना है इसको पानी हो गया इसको निचारने का काम अब इसमें बचा है मसाला मिलाने का काम अब इसमें बनाएंगे मसाला अदरक लहसुन ये हमारा हो गया है लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये कनफूड़ो मक्के का आटा बेसन के लिए चम्मच थोड़ा सा डालेंगे बेसन क्या था नहीं उसको मिलाएंगे हमारा पकौड़ा बनने के लिए मसाला तैयार अब तेल के बाद तेल चढ़ाएंगे गैस में और गैस में तेल पकौड़े तैयार हो गए अब इसके बनाएंगे हम ग्रेवी मसाला चट चुट पाल के बनाएंगे हम मसाला की तैयारी शुरू प्याज से काट के तैयारी कर रहे हैं पहले प्याज काटें फिर मसाला तैयारी मिर्ची और लहसुन क्या कूट के डाल दो ना फिर भी अच्छा टेस्ट आते हैं टमाटर चाकू से काटना होता है टमाटर में तेज पत्ता और हींग जीरा मेथी दाने और राई का दाना इसका डालेगी प्याज को थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे अब हम डालेंगे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट कूट के रखा था अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला खड़ा ये हल्दी ये धनिया पाउडर ये गरम मसाला अब डालेंगे नमक कम आँच में रख के 10-5 मिनट पकाएंगे थोड़ा सा गिर देंगे गरम पानी डालेंगे ज़्यादा
थोड़ देर ढक देंगे ना। चलो गैस बंद। आज आज हरी धनिया खत्म हो गई है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसे कोफ्ता बना खाना चाहिए, सब्जी का टेस्ट बढ़ा जाता है। Gracias.